सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिशा यूट्यूब चैनल। दिशा के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया एंड एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू दिस टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन पॉलिटिक्स सेक्शन। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके एग्जाम के अंदर जीएस का, जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन हमेशा आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, वेदर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट और एनी अदर एग्जाम, आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन देख प्रेसिडेंट का एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट के टेन्योर से हो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से हो, चाहे वो प्रेसिडेंट की टर्म से हो, क्वालिफिकेशन से हो, एलिजिबिलिटी से हो। सो इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस द इलेक्शन सिस्टम और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। और अब क्वेश्चन ये है कि हम इस टॉपिक को डिस्कस कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो टॉपिक डिस्कस करने के लिए नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, लाखों टॉपिक हैं, बट वाई वी आर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक राइट नाउ। सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो हमारे अभी करंट प्रेजिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, ही इज गोइंग टू हिज टर्म इज गोइंग टू बी एंड, एंड आफ्टर दिस टर्म जो कि जुलाई 2022 में खत्म होने वाली है, उसके बाद एक प्रेजिडेंट का दोबारा इलेक्शन होगा, विच इज गोइंग टू बी द 16th इंडियन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन, जो कि हेल्ड होगा रामनाथ कोविंद जी के बाद जो सक्सेसर आएंगे उनको, उनको प्रेसिडेंट की सीट देने के लिए या प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाने के लिए। तो अब देखते हैं कि इस सीट के लिए कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट अपने इलेक्टेड मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को सपोर्ट करेंगी, बैक करेंगी, एंड विल सी कि कौन कौन से लोग एक तरीके से इस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए अपना नाम भरते हैं, एक प्ली करते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं। तो रामनाथ कोविंद जी जो हमारे प्रेजेंट अभी प्रेजिडेंट हैं, उनका जुलाई 2022 में टेन्योर ख़त्म होने वाला है। एक प्रेजिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, रामनाथ कोविंद जी का टेन्योर 5 साल का रहा है, जिसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करे हैं, और अब उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है। उसके बाद एक फ्रेश इलेक्शन होगा प्रेजिडेंट का, जो कि 16th इंडियन प्रेजिडेंशियल इलेक्शन है। इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली ये बात करेंगे कि इंडिया में प्रेजिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर टू वेज ऑफ इलेक्शन, वन इज डायरेक्ट इलेक्शन, सेकंड इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन दीज इलेक्शंस आर हेल्ड बाय हेल्ड एज एन डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब क्या है कि आप, मैं और आप जाएंगे, डायरेक्टली वोट देंगे और उस वोट को उस वोट को काउंट करके जो लोग सीट जीतेंगे वो लोग पावर में आएंगे। सेकंड एक पॉइंट होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, कि जिन लोगों को, जिन रिप्रेजेंटेटिव को हमने वोट देके चूज किया है, वो हमारे लिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चूज करते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, सो प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। एंड व्हाई इट इज एन इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि डायरेक्टली एज अ सिटीजन वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ऑब्वियसली मैंने तो आज तक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट नहीं दिया और आप लोगों ने भी नहीं दिया होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कुछ पर्टिकुलर लोग ही एक तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और वोट देते हैं। और ये क्वेश्चन कि कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सी बॉडी है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है, कई बार मैं आपको बता भी नहीं सकता कि कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया और बच्चे कई बार 50-60% बच्चे इसे गलत करके आते हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। बेसिक आपको समझ आ गया होगा, और इस वीडियो का पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, एंड इट इज एंड ही इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलॉट। तो आपने ये जो टर्म्स है ना इसके अंदर, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलॉट, आपने इन सब टर्म्स को याद रखना है और समझने का भी ट्राई करना है कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, हम इस वीडियो में ये समझने का ट्राई करेंगे कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, क्या वोटिंग सिस्टम रहता है, कितनी वैल्यू है वोट्स की। तो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज आप समझ लीजिए कि एक तरह से एक कुछ लोग की एक एक संघ है, कुछ लोग आपस में जुड़ के मिलके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं। और वो कौन लोग होते हैं, इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हमारी होगी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पार्लियामेंट की।
पार्लियामेंट के अंदर जितने भी लोग इलेक्टेड हैं, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा के हो, दोनों के दोनों वो लोग सिर्फ इलेक्टेड। यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। सो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है प्रॉपर स्टेट, एक होता है यूनियन टेरिटरी। ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्टेड मेंबर होते हैं। सो द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन नॉमिनेट मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेम किसी भी यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है, चाहे जैसे दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, तो इनसे इनके अंदर जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल पूरी कंट्री की बात करता हूँ, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरी, जितने भी इनके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नॉमिनेटेड लोग नहीं करेंगे, इसका हमने ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो बेसिक हमारी एलिजिबिलिटी यह है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड, मिनिमम एज 35 ईयर्स है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज 35 ईयर होनी चाहिए। अगर मैं लोकसभा के मेंबर की बात करूं तो मिनिमम एज है 25 ईयर्स, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। सेम ऐसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट करने की एज है 35 ईयर्स। अगर आपकी एज 35 ईयर्स से एक दिन भी कम है तो आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का मेंबर बनने का जो एलिजिबिलिटी है उस पर्सन के पास होनी चाहिए, दैट ही इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। और हाउस ऑफ द पीपल कौन सा होता है? लोकसभा। लोक यानी कि पीपल, सभा इज द हाउस, सो हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा। सेकंड, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इफ ही इज, इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी लोकल और एनी अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट के अंदर ऑलरेडी अपॉइंटेड है तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। टू इलेक्ट एज अ, टू इलेक्ट फॉर द प्रेसिडेंट, यू नो, टू फॉर द कंटेस्ट, नॉट इलेक्ट एग्जैक्टली, टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट पर्सन हैज टू, यू नो, उनकी जो सीट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, या फिर किसी भी तरह से वो किसी गवर्नमेंट में, चाहे वो लोकल बॉडीज में हो, उनको अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, दैट ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट टू इलेक्ट, टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर वो किसी सीट पे ऑलरेडी हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ऑलरेडी हैं, तो वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो ये दोनों कुछ ब्रॉड उनकी कुछ एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है एज अ प्रेसिडेंट बनने के लिए। आगे हम समझेंगे कि प्रोसीजर क्या है इलेक्शन बनने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। तो अगर आपने नॉमिनेशन भरना है, देखो पहले नॉमिनेशन होता है, कुछ लोग नॉमिनेशन भरते हैं, फिर उन लोगों का, यू नो, एक इलेक्शन में पार्टिसिपेशन होता है, वो फिर वो कंटेस्ट करते हैं। किसी भी पर्सन को अगर नॉमिनेशन भरना है तो नॉमिनेशन भरने के लिए उनको 100 लोगों की जरूरत पड़ती है। 100 लोग कौन कौन से हैं? 50 होंगे प्रपोजर्स और 50 होंगे सेकेंडर्स, मतलब 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स। उनको मतलब बेसिकली दो कैटेगरी के लोगों का सपोर्ट चाहिए। 50 लोग आएंगे एक कैटेगरी, 50 लोग आएंगे दो कैटेगरी में। आपको इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं कि प्रपोजर कौन होते हैं, सेकेंडर्स कौन होते हैं, लेकिन आपको ये टर्म्स, ये फैक्ट्स याद रखने हैं कि टू फिल द नॉमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट पर्सन शुड बी विद द सपोर्ट ऑफ 50 प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स। उनके पास 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, एक नॉमिनेशन पे साइन होना चाहिए, या फिर 50 लोगों की एक मंजूरी होनी चाहिए कि हम इनको एज अ बैक कर रहे हैं एज देयर सपोर्टर्स एंड प्रपोजर्स, तो आप इनका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन का जो है लड़ना चाहते हैं, जो नॉमिनेशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब क्या होता है, आपको मैं बेसिक समझाना चाहूँगा, एक समझते हैं बेसिक तरीके से कि दो तरह के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर। फर्स्ट जो है वो है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड एमपीज। सेकेंड है इलेक्टेड एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो दोनों के वोट का एक वैल्यू है। अब अगर मैं बात करूँ, क्या हमारे एमपी के वोट की और एमएलए के वोट की वैल्यू सेम हो सकती है? नहीं हो सकती है। एमपी के वोट की वैल्यू कम है और एमएलए के वोट की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, अभी ऐसा कहा भी जा रहा है कि बीजेपी का, अगर बीजेपी किसी प्रेसिडेंट के लिए किसी सपोर्टर को या किसी अपने मेंबर को बैक करते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम कि उनका मेंबर प्रेसिडेंट बने। क्योंकि राइट नाउ सेंटर में तो बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन जो सेंटर का टोटल एक वैल्यू बनता है वोट का, वो एज कम्पेयर टू काफ़ी कम है टोटल स्टेट की वैल्यू से। इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी का जो मेंबर है वो प्रेसिडेंट ना बने। हम बात करेंगे कि एक एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं,
तो प्रेजेंट के इलेक्शन के अंदर एमपी के वोट की वैल्यू और एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है, हम ये समझेंगे कैसे निकालते हैं। आपके यहाँ पे दो फॉर्मूलाज दिए गए हैं। फर्स्ट बात करता है वैल्यू ऑफ अ वोट ऑफ एन एमएलए। सो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट को अगर मैं डिवाइड कर दूं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितनी भी स्टेट की पॉपुलेशन अगर उसको मैं डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से, तो और उसको उसके बाद अगर मैं 1/1000 से मल्टीप्लाई करूं या फिर पूरे के आंसर को मैं 1000 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो हमारा निकल आएगा कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है। और इट इज़ वेरी एविडेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हर स्टेट के जो एमएलए की वैल्यू है वो कम होगी, क्योंकि हर स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, हर स्टेट के अंदर इलेक्टेड एमएलए अलग हैं। अगर मैं बात करूं सिक्किम की और बात करूं बिहार की, तो जो सिक्किम के एमएलए की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम होगी एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ एम एल एस यू नो फ्रॉम द बिहार, क्योंकि बिहार की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिक्किम। सेम जो इलेक्टेड एम एल एस है बिहार के वो बहुत ज़्यादा है सिक्किम से। तो हमने टोटल पॉपुलेशन को एक स्टेट की टोटल इलेक्टेड एम एल एस से डिवाइड करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हमने 1000 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर निकल आएगा, एक वोट निकल आएगी एम एल ए के वोट की वैल्यू निकल आएगी। सेम हम आते हैं एम पी के वोट की वैल्यू, कि एम पी के वोट की वैल्यू क्या होती है। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एम पी टोटल एम एल एस, जितने भी पूरे कंट्री के एम एल एस को या पूरे कंट्री के स्टेट के एम एल एस की वैल्यू को हम टोटल कर देते हैं, ठीक है, मानो कि हमने अपने पूरे सारे स्टेट के जितने भी एम एल एस हैं उनकी वैल्यू को टोटल किया और वैल्यू आती है 1,00,000। एग्जाम्पल लेते हैं 1,00,000 आएगी नहीं, ज़्यादा आएगी उससे, उसको आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिवाइड कर दो। आपने 1,00,000 को जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एम एल एस हैं इलेक्टेड एम पीज हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा को मिला के उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे एक एम पी के वोट की वैल्यू निकल आएगी। इसको हम और समझने का ट्राई करेंगे, हमने दो स्टेट का एग्जाम्पल लिया है, एक तेलंगाना का एग्जाम्पल लिया है हमने, तो मानो तेलंगाना के अंदर टोटल सीट है हमारे पास, नंबर ऑफ असेंबली सीट्स आर 119। हम तेलंगाना की बात करते हैं, आप किसी भी स्टेट की बात करते हो समझ सकते हो उससे, इसमें आपको इजीली समझ आएगा। टोटल इलेक्टेड एमएलएज हैं 119, ठीक है, पॉपुलेशन है तेलंगाना की 1.57 करोड़। तो अब मैं 1.57 करोड़ को 119 से डिवाइड करूंगा। फर्स्ट दिस, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं कि हमने 1.57 करोड़ को 119 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमने उसको फर्दर आंसर को 1000 से डिवाइड कर दिया। अब आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि 1.57 करोड़ को आप डिवाइड करोगे 119 मल्टीप्लाई बाय 1000, वो एक ही बात है, तो आंसर निकलेगा 132 डिवाइड करने के बाद। सो ये 132 क्या है, ये 132 तेलंगाना के जितने भी एमएलए हैं उसमें एक एमएलए के वोट की वैल्यू है 132, ठीक है। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट क्या होगी एमएलए की, सिर्फ तेलंगाना की, हम 119 एमएलए को 132 एमएलए की एक वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकल आएगा 1,507.08। तो 15,708 यानी कि 15,708 इज द टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए बिलोंग टू तेलंगाना स्टेट। तो तेलंगाना के अंदर टोटल 119 इलेक्टेड एमएलए हैं, 1.57 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है, हमने असेंबली की टोटल सीट्स को इलेक्टेड एमएलए की सीट्स को डिवाइड कर, हमने 1.7 करोड़ पॉपुलेशन उसको डिवाइड कर दिया असेंबली की सीट से, आंसर आया उसको फर्दर डिवाइड किया 1000 से, हमारा आंसर आ गया 132। ये 132 तेलंगाना के एक एमएलए के वोट की वैल्यू है। हमने अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए तेलंगाना के एमएलए की, तो तेलंगाना के एमएलए को हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे एक एमएलए की वैल्यू से, तो टोटल एमएलए है 119, एक एमएलए की वैल्यू है 132, टोटल वैल्यू आएगी 15,708, ठीक है, सिंपल है, मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप दोबारा अपने आप भी इस एग्जाम्पल को पढ़ के समझ सकते हैं, बहुत इजीली लिखा गया है, बहुत इजीली आपके लिए समझाया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने जैसे हमने तेलंगाना का लिया ऐसे हमने हर अलग स्टेट का लिया, हर स्टेट का टोटल मिलाने के बाद हमारा आता है टोटल एमएलए की वैल्यू 5,49,495 यानी कि 5,49,495, हम एक अराउंड लेते हैं दैट इज 5,50,000, ठीक है। अब 5,50,000 टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे एक एमपी की वैल्यू निकालने के लिए, एक एमपी के वोट की वैल्यू निकालने के लिए इस पूरी वैल्यू को, पूरे एमएलए के वोट की वैल्यूज को, जो टोटल नंबर ऑफ मेरे एमपीज हैं इलेक्टेड एमपीज हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम डिवाइड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज हमारे कितने हैं, 543 हैं लोकसभा के अंदर और 233 हैं राज्यसभा के अंदर, बिकॉज वी ऑल नो कि दो लोग नॉमिनेटेड होते हैं लोकसभा के अंदर
और 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं हमारे राज्यसभा के अंदर, तो हमने उन दोनों को हटा दिया। इसलिए हमारे जो लोकसभा के मेंबर हम पार्लियामेंट यूज यहाँ पे कंसीडर करेंगे वो होंगे 543, और राज्यसभा के कंसीडर करेंगे वो होंगे 233, तो यहाँ पे टोटल बनेगा 776। अब हम इस टोटल एमएलए के वैल्यू को 776 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमने ये किया है, हमारा आंसर आएगा 708। अब 708 का यहाँ पे मतलब क्या है, 708 का मतलब यहाँ पे ये है, 708 का मतलब ये है कि इट इज अ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमपी, एक एमपी के वोट की वैल्यू है 708, जहां पे तेलंगाना के एक एमएलए के वैल्यू थी 132, ठीक है, वहीं पे एमपी के एक वोट की वैल्यू है 708, यानी कि 708। अब मैं बात करता हूँ टोटल हमारे पास कितने एमपी हैं, 776 इलेक्टेड एमपी, क्योंकि इलेक्टेड बात कर रहे हैं ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई भी नॉमिनेटेड एमपी, कोई भी नॉमिनेटेड एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए हम सिर्फ इलेक्टेड एमपी की बात करेंगे, इलेक्टेड एमएलए की बात करेंगे। तो यहां पे हमने देखा कि अब टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपीज क्या होगा, हम इस 708 को हम 776 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 5,49,408। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, एक वैल्यू आई है हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, पूरे ऑल इंडिया के जितने एमएलएज हैं उनके वोट की टोटल वैल्यू क्या है, वो है 5,49,495, ये देखेंगे हम यहाँ पे। सेकंड हम बात करते हैं कि टोटल जो एमपीज हैं, जो सेंटर में लोकसभा राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी, उनकी वैल्यू है 5,49,408। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, मैंने अगर 5,49,495 को प्लस कर दूं 5,49,408 से, तो हमारा आंसर आएगा 10,98,903। ये 10,98,903 क्या है, ये एक ऐसी वैल्यू है जो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज वोट को हम अगर प्लस कर दें टोटल नंबर ऑफ एमपीज वोट, तो एक वैल्यू निकल के आएगी कि टोटल वैल्यू कितनी है, या टोटल जो वोट डलेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो वो ये है दिस, ठीक है। तो ये टोटल वोट्स ऑफ वैल्यू फॉर द प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इन 2017, हम ये पहले की बात कर रहे हैं जो पहले हमारा इलेक्शन हुआ था, अब जो इलेक्शन होगा उसका बाद में भी पता चलेगा कि भाई कितने वोटिंग है, क्या सिस्टम है। तो अभी जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी 10,98,903। आई एम श्योर कि आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा, आई नो इट इज नॉट एन ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड, थोड़ा टाइम लगता है समझने में, लेकिन अगर मैं आपको बहुत बेसिक बताऊं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इससे पहले हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, ये जो आपके दो फॉर्मूलाज हैं, ये आपको समझने बहुत ज़रूरी है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा। हमने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आपको और आसानी से समझ आए। तो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ रिलेटेड आर्टिकल है प्रेसिडेंट से, इनको भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 52 है हमारा यहाँ पे एक, दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी हम यानी इस वीडियो के अंदर बात करी है, इस पूरी वीडियो हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बात करी है जो आता है आर्टिकल 54 के अंदर। फिर हमारा है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, एलिजिबिलिटी ऑफ द री इलेक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ री इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ओथ एंड एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन। तो कुछ आर्टिकल हैं आपको याद होने बहुत जरूरी हैं, कुछ रिलेटेड आर्टिकल 52 से लेकर 62, इनको याद कर लीजिएगा। याद आपने क्या क्या करना है इस वीडियो के अंदर, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक इनडायरेक्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब यहाँ पे ये है, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। मानो कि चार लोग अगर लड़ रहे हैं तो चार में सबसे कम वोट जिसको मिलेंगे वो उस एक एक फाइट से आउट बाहर हो जाएगा, और उसके वोट को बाकी तीन लोगों में डिवाइड कर दिया जाएगा, और तब तक ये सिस्टम चलेगा जब तक किसी के पास 50% प्लस वन वोट नहीं मिल जाते। जब तक किसी एक पार्टिसिपेंट को जो इलेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है प्रेजिडेंट के इलेक्शन में, जब तक किसी पर्सन को 50% प्लस वन वोट नहीं मिल जाते हैं, तब तक प्रेजिडेंट का इलेक्शन फिनिश नहीं होगा। मानो कि अगर 10 लोग लड़ रहे हैं तो सबसे पहले सबको देखा जाएगा किस किस को कितने वोट मिले हैं, जिसको सबसे कम वोट मिलेंगे उसको आउट कर दिया जाएगा, और उसके वोट को बाकी 9 लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा सबसे कम वोट किसके पास है, उसको हटाया जाएगा, और उसके वोट को बाकी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते हमारे पास 3-4 लोग बचेंगे, उसमें से हम देखेंगे सबसे कम वोट किसके पास है, उसको हटाएंगे, फिर बाकी 3 लोग में डिवाइड करेंगे, फिर हम थर्ड वाले को देखेंगे सबसे कम वोट कहाँ है, फिर हम उसको हटाएंगे, फिर हम देखेंगे सबसे कम वोट किसके पास है,
तो लास्ट जो दो लोग बचेंगे जिसके पास 50% से ज्यादा वोट होंगे, चाहे वो एक वोट ज्यादा हो, वो प्रेसिडेंट की सीट जीत जाएगा। तो अभी आने वाले हम मंथ में जुलाई में देखेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कौन कौन कंटेस्ट करता है और कौन हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनता है। तब तक के लिए हमारी वीडियो देखिए, अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कीजिए, हमारी सारी वीडियोज़ देखिए, वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू, और ये आपके लिए फ्री अवेलेबल है। आप हमारे साथ टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे जुड़ सकते हैं, हमारी नई वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, हम आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।